हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक ही आर्टिकल आया है, रिस्टोरिंग ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। जस्ट अ सेकेंड। रिस्टोरिंग ऑर्डर। द 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, दैट इज आसियान। मतलब इसमें 10 मेंबर्स है। अब मुझे तो पता था, क्योंकि और मुझे अगर मैं आसियान बोलता हूँ तो मुझे वहाँ के सारे कंट्रीज दिख रहे हैं। क्या आपको ऐसे दिख रहे हैं? ऐसे दिख रहे हैं तभी अच्छा है, नहीं तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। हैज़ फाइनली शोन अ करेज टू कॉल आउट दी जनता इन म्यांमार फॉर द ऑन गोइंग वायलेंस एंड इट्स फेलियर इन इम्प्लीमेंटिंग द 5-पॉइंट कंसेंसस दैट वॉज रीच बिटवीन द टू साइड्स एमिड द एड्रेसिंग द पोस्ट कूप क्राइसिस इन द कंट्री। म्यांमार हैज सीन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन एवर सिंस द मिलिट्री ऑस्टेड द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ आंग सांग सू की इन फेब 2021। अंडर द आसियान प्लान रीच इन अप्रैल 2021, द जनता हैज प्रोमिस टू स्टॉप द वायलेंस एंड स्टार्ट इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग बट हैज कंटिन्यूड वायलेटिंग द कंसेंसस। आसियान केप्ट पुशिंग द जनरल्स बट stopped short of antagonizing them. However, the latest statement from ASEAN issued after its annual summit in Jakarta suggests a hardening of its stand. It has strongly condemned, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी निंदा की है। हिंदी में बोला जाए तो निंदा। The continued act of violence and directly urge the armed forces in particular and all related parties concerned to stop targeted attacks on civilian. The grouping has also decided to deny Myanmar the bloc's chairmanship, which it was to assume in 2026. The Philippines will now take over as the chairmanship goes in alphabetical order, and Myanmar will have a long wait ahead. चलिए इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन। फिलीपींस का कैपिटल क्या है? एंड जस्ट अ सेकेंड। द मिलिट्री अनलाइक अर्लियर व्हेन इट सॉ अपोजिशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक फोर्सेस इज नाउ फेसिंग इनहेंस्ड प्रेशर फॉलोइंग अ सिविल वॉर। द पॉलिटिकल अपोजिशन हैज फॉर्मड अ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG विथ अ मिलिट्री विंग दैट हैज जॉइंड हैंड विथ सम एथनिक सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थस पोजिंग चैलेंज टू जुंता। जुंता को मारो जूता पहली बात तो, क्योंकि इनकी हरकतें ठीक है नहीं। द मिलिट्री इज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन सेंटर बट एट अ ह्यूज कॉस्ट। अ रिसेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेटर्स हैज सेड दैट द मिलिट्री रिजाइम हैज बीन कमिटिंग वॉर क्राइम्स दैट इंक्लूड मास एग्जीक्यूशन एंड सेक्शुअल वायलेंस। More than 2 years of conflict have left about 18 million people. 18 million अगर मैं आपको बताऊँ, 1 million equals to 10 lakh. 10 million equals to 1 crore. 18 million, आप समझ रहे हैं कितना हो रहा है? 1 crore 80 lakh लोग. 18 million people in the need of humanitarian assistance and displaced 2 million. 2 million, okay. The military has also killed thousands in indiscriminate attack on rebels and civilian. But despite this disproportionate use of violence, the regime has been unable to stifle dissent. In August, the military drew condemnation from United Nations Security Council over unrelenting violence. Now with the ASEAN move, it is evident that the regime stands isolated. Kyunki जुनता को मारो जूता, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। इन्होंने इतनी गंदी गंदी हरकतें करी है कि तो आइसोलेट तो होंगे ही ना। वाइल द डोमेस्टिक सिचुएशन रिमेन अनटेंडेबल, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर अ टफ स्टांस बाय आसियान विल हैव एनी इमीडिएट मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन रिजाइम्स बिहेवियर बट द ब्लॉक विच हैज़ लेवरेज ओवर द कंट्री should continue to push the general to end the violence and start talk. The only solution to multiply to the multiple crises Myanmar is facing
इज द रेस्टोरेशन ऑफ द लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव रिजाइम। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। लास्ट लाइन आप अगर देखें, जस्ट सेकेंड, लास्ट लाइन अगर आप यहाँ पर देखें तो लास्ट लाइन का मतलब है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे इसमें हम देख सकते हैं क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जस्ट सेकेंड मैं आपको इसको बताता हूँ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि अगर आप देखो सबसे पहले यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगा, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जितनी चीज़ें हो रही है जनता कर रहा है, किस लिए कर पा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, उनका मन कर रहा है मिलिट्री रूल के थ्रू वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ देखिए, वॉर क्राइम, मास एक्सिक्यूशन एंड सेक्सुअल वायलेंस ऑब्वियसली टुवर्ड्स वुमेन। भाई क्या कर रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ खोज रहे हैं और तुम अभी भी इन्हीं सब चीज़ों में अटके हुए हो, तो गलत है। 1,80,00,000 लोग को वहाँ पे अब जरूरत हो गई है लोगों की, 20,00,000 लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए, 1,000 किलिंग हो गई है, मतलब क्या चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ें तो ख़राब है, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और आसियान का ये मूव मुझे बहुत अच्छा लगा जो आसियान ने किया है, एंड बहुत ज़रूरी था यार ये सब उनको आइसोलेट करना, क्योंकि आइसोलेशन होगा तभी वो चीज़ हटेगी, और आइसोलेशन से भी ज़रूरी है वहाँ के लोग, पीपल। जब तक वो रिवोल्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे लीडर नहीं खड़े होंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो थैंक यू गाइस, एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। कुछ ऐसा करने का बनने का सोचो कि कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कर सको। So thank you and work hard.